श्री कृष्णाय नमः, श्री गोपी जन्मल्लभाय नमः, श्रीमदाचार्य चरण कमलभ्यो नमः, श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः, श्री यमुना चतुर्भ्याम नमः, श्री गुरुवे नमः, श्री गुरु चरण कमलभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। वार्ता प्रसंग एक, भाग दो। पाछे श्री गुसाई जी आप अपनी बैठक में पधारे, तब वह विरक्त वैष्णव हु श्री नवनीत प्रिया जी आदि सातों स्वरूप के दर्शन करी के श्री गुसाई जी के पास आए के दंडवत करी। तब श्री गुसाई जी ने पूछी, जो वैष्णव श्री नवनीत प्रिया जी के दर्शन किए? तब वह विरक्त वैष्णव ने श्री गुसाई जी से विनती की नी, जो महाराज आपकी कृपा ते सातों स्वरूप के दर्शन किए, सो ताकी बड़ाई कहाँ ताई जीव करी सके, परी महाराज इनके स्वरूप भाव जानिए तो आछी। तब श्री गुसाई जी ने वह वैष्णव सो कहो, जो श्री यशोदा जी के यहाँ प्रभु ने बाल लीला करी है, सो स्वरूप श्री नवनीत प्रिया जी को है, और श्री जसोदा जी के यहाँ बड़े भय तब गोचारण लीला किए हैं, सो स्वरूप श्री मथुरानाथ जी को है, सो जा समय श्री मथुरानाथ जी श्री गोपी जनन ते घर माखन की चोरी को जात हैं, तब सखान को लेके श्री स्वामिनी जी के घर जात हैं, तहाँ दूध दही माखन की चोरी करत हैं, तहाँ एकांत में आए के श्री स्वामिनी जी ने कहो, जो आज मैं पकड़ी के श्री नंदराय जी श्री जसोदा जी की आगे ले जाऊंगी। तब श्री मथुरानाथ जी की दोई भुजा श्री स्वामिनी जी ने पकड़ी, तब श्री मथुरानाथ जी आप दोई भुजा और प्रकट करी के श्री स्वामिनी जी सो विनती की नी, जो मैं तो तुम्हारे बस हूँ, तुमको पास ही राखत हूँ, सो मेरे नीचे श्री हस्त में शंख है, सो तुम्हारी ग्रीवा के आकार हैं, ताते में धारण कियो है, दूसरे श्री हस्त में पद्म है, सो तो कमलवत है, और तुम्हारो मुख है सोहु कमल है, ताते में तिनके आकार में धारण किए हूँ, और ऊपर वाम हस्त में गदा है, सो तुम्हारे कूच के आकार रूप हैं, ताते राखे हूँ, और एक श्री हस्त में चक्र है, सो तुम्हारे आभूषण जो कटी किंकणी है, तथा श्री हस्त में कंगन है, सो ताकी आरती करी के मैं अपने श्री हस्त में राखे हो, ताते मोको छोड़ी देऊ। तब रंचक अधराम रत को पान करी के छोड़ी दिए, सो ऐसी लीला श्री मथुरा नाथ जी में है, और जब कात्यायनी व्रत कियो तब आप चीर हरण लीला करी है, सो स्वरूप श्री विठलेश राय जी को है। सो श्री स्वामिनी जी के भाव में मग्न है, सो ताही ते गौर स्वरूप प्रकट है, और वस्त्रन में जो श्याम स्वरूप होई तो सब गोपिका श्री ठाकुर जी को जानी जाई, ताते श्री ठाकुर जी गौर होई के श्री गोपिका के सिद्रश होई के वस्त्र चीर चोरी के कदम पे जाई बैठे, ता पाछे वहाँ गोपिकान के मन में लज्जा रूप अंतराय रहो है, सो श्री विठलेश राय जी दूरी करी के सबन के वस्त्र दिए, सो लीला श्री विठलेश राय जी में है। अब रास पंचाध्यायी में सब ब्रज भक्तन को पुलीन में बैठाए, सो स्वरूप श्री द्वारिकानाथ जी को है, और वहाँ गोपी सब पुलीन में बैठी हैं, तहाँ मध्य में श्री स्वामिनी जी विराजती हैं, तहाँ श्री ठाकुर जी आपू अचानक पधारे, सो तहाँ सखियन को समस्याते बरजी, और पाछे श्री हस्त कमल करी के श्री स्वामिनी जी के नेत्र मूंदे हैं, और दो ही हस्त सो वेणुनाद किए हैं, सो याही प्रकार सो रसमय लीला है, सो श्री द्वारिका नाथ जी में है। अब श्री गोकुलनाथ जी श्री गोवर्धन धारण किए हैं, और सब ब्रज भक्तन की रक्षा किए, वाम श्री हस्त करी श्री गोवर्धन को उठाए हैं, ता पाछे जेमने हस्त में धारण कियो है, और दो श्री हस्त सो वेणुनाद करत हैं, सो सब ब्रज को सुधा को पान करावत हैं, कबहुक वेणु की फूंक पर श्री गोवर्धन को राखत हैं, और वाम भाग के नीचे के श्री हस्त में शंख है, सो आदि देवी जल रूप है, सो यही लीला श्री गोवर्धन धर श्री गोकुलनाथ जी में प्रकट हैं। अब श्री गोकुल चंद्रमा जी का स्वरूप साक्षात मन्मथ मन्मथ है, सो जब पंचाध्यायी में आप अंतर्ध्यान भये, ता पाछे श्री गोपीकान ने रुदन कियो, तहाँ प्रगट भये,
सो ललित त्रिभंगी को स्वरूप है। ता पाछे रास भयो है तब आप दो हस्त करी मुरली बजाई है। सो और सब ब्रज भक्तन को रस दान करत हैं। सो तहाँ छह धर्म एक धर्मी। सो ताके ऊपर उंगली धरी है। सो तो यहाँ ब्रज भक्तन को समाधान करत हैं। जो तुम्हारी भक्ति के मैं बस हूँ, मैं तुम्हारो रणिया सदा हूँ। सो ऐसे श्री गोकुल चंद्रमा जी के रास आदि लीला हैं। सो ताको प्रादुर्भाव बहुत है। अब श्री मदन मोहन जी को भाव कहत हैं, जो निकुंजादिक लीला के भीतर है। सो नाना प्रकार की लीला करत हैं। तहाँ कोटि कोटि कामदेव लज्जा पावत हैं। तहाँ भांति भांति की लीला करत हैं। अरु रास पंचाध्याय में मुरली बजाई के सब ब्रज भक्तन को बुलाए। ता समय उद्दीपन भावरूप आप भये। सो स्वरूप श्री मदन मोहन जी को है। या प्रकार सातों स्वरूपन की भावना है। ताते उनके दर्शन करे ता समय या प्रकार भावना करनी। ऐसे श्री गोसाई जी आप आज्ञा किए। और श्री गोवर्धन नाथ जी निकुंज नायक है। सो निकुंज नायक के स्वरूप में आप निकुंज के द्वार पर ठाड़े होई स्वकीय जन को ऊंची भुजा करी के बुलावत हैं। या प्रकार श्री गोवर्धन नाथ जी के स्वरूप की भावना करनी। सो सुनी के वह विरक्त वैष्णव बहुत प्रसन्न भयो। ता पाछे श्री गोसाई जी श्री गोवर्धन नाथ जी के दर्शन को पधारे। तब विरक्त वैष्णव हु संग हतो। सो श्री गोसाई जी आप गोपालपुर पर पधारे। पाछे स्नान करी के श्री गोवर्धन नाथ जी के मंदिर में पधारे। तब भोग को समय हतो। सो पधारी के भोग समर्पियो। पाछे भोग सरायो राजभोग आरती करी। तब या विरक्त वैष्णव ने श्री गोवर्धन नाथ जी के दर्शन किए और अपने मन में विचार कियो। जो श्री गोसाई जी ने श्री मुक्ते वचन कहे तैसे ही दर्शन श्री गोवर्धन नाथ जी के भये। ता पाछे श्री गोसाई जी अनुसर करी के अपनी बैठक में पधारे। तब वह विरक्त वैष्णव हु श्री गोसाई जी के पास आयो। ता पाछे श्री गोसाई जी भोजन करीवे को पधारे। तब वह विरक्त वैष्णव की पात्री धराई। सो भोजन करीवे को बैठियो। ता पाछे श्री गोसाई जी आप पोढ़े। पाछे वह विरक्त वैष्णव महाप्रसाद लेके उठियो। तब श्री गोसाई जी को पंखाकरण लाग्यो। पाछे दूसरे दिन श्री गोसाई जी की आज्ञा मांगी ब्रज यात्रा को गयो। सो कहू स्वस्थ होई के बैठे नाही। सो श्री गोवर्धन नाथ जी इनको सानुभावता जनावते। पाछे वह विरक्त वैष्णव की देह छूटी। सो श्री गोवर्धन नाथ जी के चरणारविंद में प्राप्त भयो। भाव प्रकाश, या वार्ता को अभिप्राय यह है, जो भगवत सेवा भगवत दर्शन भाव पूर्वक करने। सो पुष्टि मार्ग में स्वरूप भावना लीला भावना भाव भावना मुख्य है। सो या प्रकार निरंतर भावना करनी। ताते मन अलौकिक होई तब निरोध सिद्ध होई। सो वह विरक्त वैष्णव श्री गोसाई जी को ऐसो परम कृपा पात्र भगवदीय हतो। ताते इनकी वार्ता कहाँ ताही कहिए। अब वार्ता का संक्षिप्त सारांश हिंदी में। फिर जब श्री गोसाई जी अपनी बैठक में पधारे तब वह विरक्त वैष्णव श्री नवनीत प्रिया जी आदि सातों स्वरूप के दर्शन करके बैठक में आए और श्री गोसाई जी को दंडवत करी। तब श्री गोसाई जी ने वह वैष्णव से पूछा कि वैष्णव श्री नवनीत प्रिया जी के दर्शन किए। तब वह वैष्णव ने विनती करी कि महाराज आपकी कृपा से श्री नवनीत प्रिया जी एवं सातों स्वरूप के दर्शन किए, पर महाराज अब सातों स्वरूप के भाव आप हमें बताएं। तब श्री गोसाई जी ने आज्ञा करी कि श्री जसोदा जी के यहाँ प्रभु ने बाल लीला करी, वह स्वरूप श्री नवनीत प्रिया जी का है और श्री जसोदा जी के यहाँ बड़े हुए और गोचारण लीला करी, वह स्वरूप श्री मथुरानाथ जी का है और जिस समय श्री मथुरानाथ जी श्री गोपीजनों के घर माखन की चोरी करने जाते हैं तब सखाओं को साथ लेके श्री स्वामिनी जी के घर पधारते हैं, वहाँ दूध दही माखन की चोरी करते हैं। तब वहाँ एकांत में श्री स्वामिनी जी ने श्री ठाकुर जी से कहा कि आज मैं आपको पकड़ के श्री नंदराय जी और श्री जशोदा जी के आगे ले जाऊंगी। तब श्री मथुरानाथ जी की दो भुजा
श्री स्वामिनी जी ने पकड़ी। तब श्री मथुरानाथ जी ने दो भुजा और प्रकट करी और श्री स्वामिनी जी से विनती करी कि मैं तो तुम्हारे बस हूँ, तुमको अपने पास ही रखता हूँ। मेरे नीचे के श्री हस्त में जो शंख है वह तुम्हारी ग्रीवा यानी गले के आकार हैं, इसलिए मैंने वह धारण किए हैं। और दूसरे हस्त में पद्म है, वह तो कमलवत है, और तुम्हारा मुख है तो वह भी कमल है, इसलिए मैंने उनको उस आकार में धारण किया है। और मेरे ऊपर के हस्त में गदा है, वह तुम्हारे कूच के आकार रूप है, इसलिए धारण की है। और एक श्री हस्त में चक्र है, वह तुम्हारे आभूषण जो कटी किंकणी कंगन है उनकी आरती के स्वरूप से अपने श्री हस्त में धारण किया है। तो अब आप मुझे छोड़ दो। तो ऐसी लीला श्री मथुरा नाथ जी की है। और जब गोपीजनों ने कात्यायनी व्रत किया तब श्री ठाकुर जी आपने चीरहरण लीला करी, वह स्वरूप श्री विठल नाथ जी का है। वहाँ श्री विठल नाथ जी श्री स्वामिनी जी के भाव में मग्न हैं, इसलिए वह गौर स्वरूप प्रकट हुए हैं। इससे श्री ठाकुर जी गौर स्वरूप धर के श्री गोपिकाओं के सदृश होके वस्त्र चोरी करके आप कदम पे बैठे हैं। फिर वह गोपिकाओं के मन में लज्जा रूप अंतराय हुआ, तो वह अंतराय को आप श्री विठलेश प्रभु ने दूर करके सबको वस्त्र दिए, वह लीला श्री विठलेश राय जी में है। फिर रास पंचाध्यायी में सब ब्रज भक्तों को पुलीन में बिठाए, वह स्वरूप श्री द्वारिका नाथ जी का है। और वहाँ सब गोपियाँ पुलीन में बैठी हैं और मध्य में श्री स्वामिनी जी विराज रही हैं। वहाँ श्री ठाकुर जी आप अचानक पधारे और पीछे से अपने श्री हस्त से श्री स्वामिनी जी के नेत्र मूंदे और दो हस्त से वेणुनाद किए। तो इस प्रकार की रसमय लीला श्री द्वारिका नाथ जी में है। अब श्री गोकुलनाथ जी श्री गोवर्धन धारण किए हैं और सब ब्रज भक्तों की रक्षा किए हैं। वाम हस्त में श्री गोवर्धन को आपने उठाया है और जमने हस्त में धारण किया है और दोनों हस्त से वेणुनाद करके सब ब्रज को वह रसमय सुधा का पान करा रहे हैं। कभी वेणु जी की फूंक पर श्री गोवर्धन को रखते हैं और वाम भाग के नीचे के श्री हस्त में शंख है, वह आदिदेविक जल रूप है। तो यह लीला गोवर्धन धर श्री गोकुलनाथ जी में प्रकट है। अब श्री गोकुल चंद्रमा जी का स्वरूप साक्षात मन्मथ मन्मथ है। तो जब रास पंचाध्यायी में जब आप अंतर्ध्यान हुए तब गोपिकाओं ने रुदन किया, फिर आप वहाँ प्रकट हुए तब आपका स्वरूप ललित त्रिभंगी का है। फिर रास हुआ तब आपने दोनों श्री हस्त से मुरली बजाई और सब ब्रज भक्तों को रस का दान किया है। वहाँ मुरली में छह धर्म और एक धर्मी है और उसके ऊपर जो उंगली आपने धरी है वह तो ब्रज भक्तों का समाधान कर रही है कि तुम्हारी सबकी भक्ति के मैं बस हूँ, मैं तुम्हारा रणी हूँ। तो ऐसी श्री गोकुल चंद्रमा जी की रास आदि लीला है जिसका प्रादुर्भाव बहुत है। अब श्री मदन मोहन जी का भाव कहते हैं जो निकुंज के भीतर हैं, वहाँ आप नाना प्रकार की लीला करते हैं, वहाँ कोटि कोटि कामदेव लज्जा पाते हैं, वहाँ आप बहुत प्रकार की लीला करते हैं। तो जहाँ रास पंचाध्यायी में आपने मुरली बजा के सब ब्रज भक्तों को बुलाया है उस समय का जो उद्दीपन भाव रूप में आप विराज रहे हैं वह स्वरूप श्री मदन मोहन जी का है। तो जब श्री मदन मोहन जी के और आदि सातों स्वरूप के दर्शन करो तब इस प्रकार भावना करनी, ऐसी श्री गोसाई जी आपने आज्ञा करी है। और श्री गोवर्धन नाथ जी तो निकुंज नायक हैं, तो निकुंज के द्वार पर खड़े होकर आप स्वकीय जन को ऊंची भुजा करके बुला रहे हैं। इस प्रकार श्री गोवर्धन नाथ जी के स्वरूप की भावना करनी। तो यह सुनकर वह विरक्त वैष्णव बहुत प्रसन्न हुए। फिर श्री गोसाई जी आप श्री गोवर्धन नाथ जी के दर्शन करने गोपालपुर पधारे, तब वह विरक्त वैष्णव भी साथ में गए। तब आप स्नान करके मंदिर में पधारे, तब राजभोग का समय था, तब आपने भोग धर के समय सर भोग सरा के राजभोग आरती करी। तब राजभोग के दर्शन वह विरक्त वैष्णव ने किए और मन में विचार किया
कि श्री गोसाई जी ने जैसी आज्ञा करी थी वैसे ही दर्शन श्री गोवर्धन नाथ जी के हुए हैं। फिर श्री गोसाई जी आप अनुसर करा के बैठक में पधारे और फिर भोजन में पधारे। फिर वह वैष्णव को जूठन की पातल धरी, तब वह विरक्त वैष्णव ने महाप्रसाद लिया। फिर श्री गोसाई जी आप पोढ़े, तब वह विरक्त वैष्णव ने पंखा किया। फिर दूसरे दिन श्री गोसाई जी से आज्ञा लेकर वह विरक्त वैष्णव ब्रज की यात्रा करने गए और श्री गोवर्धन नाथ जी वह विरक्त वैष्णव को सानुभावना जनाने लगे। फिर यह विरक्त वैष्णव की देह छूटी, तब ये श्री गोवर्धन नाथ जी के चरणारविंद में प्राप्त हुए। भाव प्रकाश में समझाते हैं कि यह वार्ता का अभिप्राय यह है कि भगवत सेवा भगवत दर्शन भावपूर्वक करने, पुष्टि मार्ग में स्वरूप भावना लीला भावना भाव भावना मुख्य है। तो इस प्रकार निरंतर भावना करनी जिससे मन अलौकिक होता है, तब निरोध लक्षण की प्राप्ति होती है। तो वह विरक्त वैष्णव श्री गोसाई जी के ऐसे कृपा पात्र भगवदीय हुए। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरण आवे सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे भाले तिलक रसाला, तापर वल्लभी मुद्रा सोहे मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारु गाँव श्री गिरधर लाला, आज सभा में पूर्ण रहत हैं सूरदास नंदलाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।